आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अखिल कुमार जी। दोपहर के 3:28 हो चुके हैं और एक खास खबर पर बात करेंगे जो कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से जुड़ी हुई है, जहां फर्जीवाड़े और वसूली का अवैध खेल चल रहा है। इसके साथ ही सादगी से भरपूर रजिस्ट्रार भारती के कई नर्सिंग ट्यूटर वैसाखी की आड़ में नाजायज फायदा उठाने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, वैसाखी बने नर्सिंग ट्यूटर निजी नर्सिंग कॉलेजों से वसूली के खेल में पारंगत है। इसी के चलते नर्सिंग काउंसिल इन दिनों भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गई है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण रजिस्ट्रार का साफ तौर पर अयोग्य होना है। इसी बात का फायदा उठाकर लगे ट्यूटरों ने रेट कार्ड तक बना रखा है, जिसमें हनुमानगढ़ के संतरे और मौसमी की पेटियां, गंगानगर से जीरो की बोतलें सहित सी स्कीम की 5-स्टार होटलों में बैठकर संचालकों से मोटी राशि तक वसूल की जा रही है। बहरहाल पिछले महीने में आरएनसी द्वारा जारी किए गए एफिलिएशन के लिस्ट में नाम देने के नाम पर मिठाई तक की मांग की जाती है। वहीं बेखबर चिकित्सा मंत्री जी एक और किडनी प्लाज्मा ब्लड के साथ मिलावटी फूड पर लगातार तीखे तेवर तो अपना रहे हैं। वहीं काउंसिल में चल रहे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर जी की नजरों से दूर रखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो इनमें एक घोटालेबाज तो आरएनसी का रजिस्ट्रार बनने तक का सपना सजोए बैठा है। देखिए एडिटर इन चीफ सुमित कुमावत की ये खास रिपोर्ट। आरएनसी में रजिस्ट्रार का चेहरा बदलते ही नर्सिंग ट्यूटर से लेकर बाबुओं का चेहरा भी बदल जाता है। उन्हीं लोगों को जगह दी जाती है जो वसूली के खेल में पारंगत हो, साथ ही सरकार से लेकर विभाग तक को गुमराह करने में शातिर हो। ऐसे ही शातिर खिलाड़ियों के दम पर निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं करने वाली अयोग्य संस्थाओं द्वारा मान्यता ली जाती है। इस खेल में अहम भूमिका निभाने वाले नर्सिंग ट्यूटर्स ने अपना अलग ही रुतबा और रेट कार्ड तक बना रखा है। इनका मेन्यू कार्ड भी अलग होता है और वेन्यू कार्ड भी अलग होता है, जिसमें दो कैटेगरी में नर्सिंग ट्यूटर्स का रेट कार्ड चलता है, जिसमें एफिलेशन और मान्यता के निरीक्षण के नाम पर भारी नखरों के साथ मुंह दिखाई भी ली जाती है। बात करें निरीक्षण पर जाने वाला नर्सिंग ट्यूटर 5-स्टार होटल की डिमांड करता है, वहीं हनुमानगढ़ के संतरे और मौसमी पेटियों की भी डिमांड की जाती है। गंगानगर से जीरो की बोतलों की भारी सप्लाई की मांग की जाती है। वही बात करें एफिलेशन के लिस्ट में नाम डालने पर मिठाई, बर्फी और इसी तरह की तमाम चीजों की डिमांड की जाती है। नर्सिंग ट्यूटर और रजिस्ट्रार की मुंह दिखाई का रेट कार्ड भी सामने आया है। वहीं नर्सिंग ट्यूटर द्वारा निरीक्षण के समय 2 लाख से 5-स्टार होटल की डिमांड की जाती है। नर्सिंग ट्यूटर से स्कूटनी की पॉजिटिव रिपोर्ट पर 4 से 5 लाख तक की डिमांड की जाती है। रजिस्ट्रार के अभिमत पर 7 से 10 लाख तक की वसूली सामने आई है। चिकित्सा विभाग के ग्रुप 3 के नाम पर 10 से 15 लाख तक फाइल निकालने के लिए मांगे जाते हैं। वहीं एफिलेशन की लिस्ट में नाम डालने पर 2 लाख रुपए साफ साफ मांगे जाते हैं। शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने के नाम पर आपसे 15 लाख रुपए मांगे जाते हैं। ये कोई नया कारनामा नहीं है, मुंह दिखाई की रस्म पिछले कई सालों से इसी रेट पर नर्सिंग ट्यूटर्स और काउंसिल रजिस्ट्रार द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। जबकि इस बार वर्तमान काउंसिल रजिस्ट्रार भारती की बैसाखी बने कई ट्यूटर्स ने ऐसी ही लूट मचा रखी है। और इस पूरे मामले में अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जेडी गुर्जर जी, नर्सेस नेता जेडी गुर्जर जी से हम पूरी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से देखिए छात्रों के एक जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ हम कह सकते हैं हो रहा, धड़ल्ले से शिक्षा के नाम पर जो व्यापार चल रहा है इस पूरे मामले में। जेडी गुर्जर जी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे, नर्सेस नेता है आप जयपुर से, और इनसे इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से बात करना चाहेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो लंबे समय से ये खेल चल रहा है इस पर किस तरीके से रोकथाम की जा सकती है। जेडी गुर्जर जी से हम जल्दी जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानेंगे उनसे इस पूरे जो व्यापार कह सकते खेल कह सकते हैं उसके बारे में। Thank you.
जेडी जी गुर्जर जी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करेंगे, बताना चाहेंगे कई बार व्यस्तता के चलते, निजी कारणों के चलते फोन लोग नहीं उठा पाते हैं। जेडी गुर्जर जी हमसे जल्दी जुड़ेंगे और पूरी जानकारी हम जेडी गुर्जर जी से पूरे न्यूज के एंड तक कोशिश करेंगे कि हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और आप तक जो पूरी तमाम जानकारी है स्पष्ट तौर से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पिछले मार्च अप्रैल मई और जून में लिस्टों को जारी किया, अब उनमें भी भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। साफ तौर पर कहें तो उन लिस्टों को जारी करने के लिए एकेडमी बाबू श्याम और नर्सिंग ट्यूटर अनिल चौधरी पर जिम्मेवारी, लेकिन इन सब से हर काले कारनामे को ये दोनों महेश विजय और पुरुषोत्तम कुंभज के इशारों पर अंजाम देते आ रहे हैं। आरएनसी में काउंसिल रजिस्ट्रार भारती ने पिछले मार्च अप्रैल मई और जून में लिस्टों को जारी किया, अब उनमें भी भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। साफ तौर पर कहें तो उन लिस्टों को जारी करने के लिए एकेडमी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए जो नर्सेज नेता है वो अभी हमें मिले नहीं। इन सबसे इसके साथ ही जो सुनील उदैया जी हैं फाइट फॉर राइट के अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। काले कारनामे को ये दोनों महेश विजय और पुरुषोत्तम कुंभज के इशारों पर अंजाम देते आ रहे हैं। आरएनसी में काउंसिल रजिस्ट्रार भारती ने पिछले मार्च अप्रैल मई और जून में लिस्टों को जारी किया, अब उनमें भी भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। साफ तौर पर कहें तो उन लिस्टों को जारी करने के लिए एकेडमी बाबू श्याम और नर्सिंग ट्यूटर अनिल चौधरी पर जिम्मेवारी, लेकिन इन सबसे परे रजिस्ट्रार भारती को तिनका भर भी एहसास नहीं हो रहा है कि पीठ पीछे हर काले कारनामे को ये दोनों महेश विजय और पुरुषोत्तम कुंभज के इशारों पर अंजाम देते आ रहे हैं। आरएनसी में काउंसिल रजिस्ट्रार भारती ने पिछले मार्च अप्रैल मई और जून में लिस्टों को जारी किया, अब उनमें भी भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। साफ तौर पर कहें तो उन लिस्टों को जारी करने के लिए एकेडमी बाबू श्याम और नर्सिंग ट्यूटर अनिल चौधरी पर जिम्मेवारी, लेकिन इन सबसे परे रजिस्ट्रार भारती को तिनका भर भी एहसास नहीं हो रहा है कि पीठ पीछे हर काले कारनामे को ये दोनों महेश विजय और पुरुषोत्तम कुंभज के इशारों पर अंजाम देते आ रहे हैं। आरएनसी में काउंसिल रजिस्ट्रार भारती ने पिछले मार्च अप्रैल मई और जून में लिस्टों को जारी किया, अब उनमें भी भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। साफ तौर पर खबर पर हम आगे बात करेंगे हमारे फाइट फॉर राइट जो उसके अध्यक्ष हैं संस्था के सुनील उदैया जी से, इस खबर में के बारे में उनसे पूरी जानकारी लेंगे। जी सुनील जी नमस्कार। रजिस्ट्रार भारती को जी सुनील जी मैं न्यूज 21 से अखिल बात कर रहा हूँ और एक खास खबर पर आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। जी अखिल जी, जी अखिल जी, ये खबर है सर जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है उसके बारे में, क्योंकि आप उसमें पहले रह चुके हैं। इसके साथ ही मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि जो नर्सिंग काउंसिल में हर बार अयोग्य कहे या निर्धारित मापदंड पूरा नहीं करने वाले को काउंसिल की कमान दी जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, नर्सिंग काउंसिल में पहले सीनियर जो नर्सिंग कर्मी थे वो सरकार का एडिशनल चार्ज लेते हुए आ रहे थे जी, लेकिन अभी कुछ समय से ऐसी प्रथा हुई है कि सरकार चाहे जिसको पिक एंड चूज करके रजिस्ट्रार बना देती है जी। तो ये जो सीनियर्स जो नर्सिंग कर्मी है उनके साथ ये थोड़ा ठीक नहीं लगता जी, क्योंकि ऐसे सोचिए कि किसी तहसीलदार को कलेक्टर बना दिया जाए और उसके नीचे एडीएम और एसडीएम काम करें, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली वो ठीक नहीं है। सरकार को सीनियरिटी से ही इस पर नियुक्ति करनी चाहिए जी। सुनील जी, जैसे कि आरएनसी जो लिस्टें जारी करती है वो लिस्टें वो टुकड़ों में जारी करने के पीछे की बड़ी वजह क्या है, आप क्या मानते हैं इसके पीछे बड़ी वजह क्या रही है? ये एक करप्शन का एक बड़ा कारण है और मेरा मानना है अनुभव के आधार पर कि आरएनसी को लिस्ट जारी करने का अधिकार ही नहीं है जी। आरएनसी को एक बार रिकॉग्निशन कॉलेज को देना चाहिए जी, और बाकी एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी है आरयूएचएस है एग्जामिनेशन बॉडी जी, वो सारा कुछ चेक करती है, तो दो दो जगह से चेक करना लिस्ट डालना ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पैदा करता है बिल्कुल। तो नर्सिंग काउंसिल ने यदि एक बार रिकॉग्निशन किसी कॉलेज को दे दिया
उसके बाद यदि कोई कंप्लेंट है या कुछ है तो उसकी जांच कराए। हर साल का ये सिस्टम अभी जो 2-3 साल से शुरू हुआ है ये ठीक नहीं है और उचित नहीं है और इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जी सुनील जी, एक आपसे मैं बड़ा ही अहम सवाल करूंगा कि RUHS की एफिलेशन देने की अंतिम तारीख 30 जून और RNC की लिस्ट जारी करने की भी तारीख 30 जून, जबकि 30 जो जून है उसको पड़ता है रविवार। ऐसे में जो RNC ने लिस्ट दी वो RUHS में सोमवार को गई। RUHS ने बिना जांच के ही उन कॉलेजों को उपयुक्त मान लिया जिनका लिस्ट में नाम था, जबकि सूची में जो कॉलेज है उन पर पेनल्टी लगनी थी। जी जी, RUHS हर साल एक कैलेंडर जारी करती है जी, जिसमें 30 जून तक कॉलेज को फाइल जमा करानी होती है। बिल्कुल, उसके बाद यदि कोई भी डॉक्यूमेंट कागज यूनिवर्सिटी में जमा होता है तो वो फिर उसके लिए पेनल्टी डिसाइड कर रखी है। बिल्कुल, तो RNC ने भी कॉलेजों की लिस्ट दी, जारी की और वो 30 जून के बाद जमा हुई है जी। तो दोनों ही बॉडी आपस में कहीं ना कहीं आपस में तालमेल नहीं है, और RNC ने लिस्ट भेजी है तो वो 30 जून से पहले भी भेज सकती थी। बिल्कुल, लास्ट टाइम पे भेजने का क्या उचित है जब इनको समय इतना मिलता है। 31 दिसंबर से फाइलें आने लग जाती हैं, 6-7 महीने तक इनको पेंडिंग रखते हैं, पड़े रखते हैं, फिर लास्ट मोमेंट पर लिस्ट भेजते हैं, लिस्टों में नाम जोड़ते हैं, घटाते हैं, टुकड़े करते हैं, तो ये एक बहुत भ्रष्टाचार का कारण है। एक बार यदि रिकॉग्निशन हो गया दोबारा से बार बार हर साल लिस्ट भेजने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए RUHS जांच करती है सारी फाइल की, सारा डॉक्यूमेंट RUHS जांच करती है, तो दो दो जगह यदि जांच होंगी, कल को तीसरी गवर्नमेंट में गए हम भी जांच करेंगे, फिर INC गए हम भी जांच करेंगे, तो कॉलेज हमारा कॉलेज चला या इन कामों में घूमता रहे बेचारा। जी बिल्कुल, ये बात आपने सही कही, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही है वो सामने आ रही है। लापरवाही, भयंकर लापरवाही, और इसको सरकार में, सरकार को, मिनिस्टर को, ACS को, सभी को बैठ करके एक प्लान ऐसा बनाना चाहिए जिससे कॉलेज को भी राहत मिले। दूसरा, ये जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है इंस्पेक्टर राज की वजह से, ये भी कम हो, खत्म हो, वही कॉलेज, वही बिल्डिंग, वही जगह, वही हॉस्पिटल, वही प्लॉट, बार बार में उसके डॉक्यूमेंट्स मंगाना, जांच करना और फिर लिस्ट डालना, काम हटाना, घटाना और लास्ट में सारे कॉलेजों को स्वीकृति दे देना। आज तक कितने कॉलेजों को रोका है इन्होंने इस आधार पर, जहाँ शिकायतें होती हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है कि जब कोई शिकायत करता है, बहुत सारी खामियां बताता है, उसको तो आप रोक नहीं पाते हो, और जो रेगुलर कॉलेज चल रहे हैं उनकी आप जांच करने के लिए कमेटियां बना करके बैठा देते हो, और जांच के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो जिस तरह की अनियमितता हो रही है, ये सोचने वाली बात है। सरकार को इसमें निर्णय लेना चाहिए बड़े लेवल पर। ये बार बार जरूरत नहीं है इसकी, एक बार रिकॉग्निशन दे दिया, एफिलिएशन दे दिया, उसके बाद कोई कंप्लेंट है, कोई बड़ा मुद्दा है, उसकी जांच करा ले टीम भेज करके। जी जैसे कि सुनील जी, RNC जो कि हर साल एफिलिएशन जारी करता है, उस पर नियम क्या कहता है, क्या RNC को अधिकार है कि वो हर साल लिस्ट जारी करे, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के दो तरह के काम है, GNM ANM कोर्स होते हैं जिसकी एग्जामिनेशन बॉडी है। बिल्कुल, ये दूसरे कोर्स है BSc पोस्ट बेसिक MSc जिसकी एग्जामिनेशन बॉडी हेल्थ यूनिवर्सिटी है। जी पहले केवल नर्सिंग काउंसिल उनको रिकॉग्निशन लेटर देता था जिससे वो बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकता था। अभी 2-3 साल से ये परंपरा डली है कि हर साल RNC से ये एफिलेशन लो। एफिलेशन का कोई औचित्य नहीं है, जब एफिलेशन RUHS दे रही है, हेल्थ यूनिवर्सिटी दे रही है कॉलेजों को, तो RNC का एफिलेशन देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल, ये गलत परिपाटी डाली और ये इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए इसको खत्म करना चाहिए इस व्यवस्था को। जी इस खबर पर जुड़ने के लिए सुनील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपसे आगे और भी जानकारी लेते रहेंगे। जैसे कि सुनील जी ने बताया कि इस पूरे जो नर्सिंग काउंसिल है इसमें अवैध है, वो फर्जीवाड़ा चल रहा है, साथ ही साथ बड़ी जो लापरवाही है वो निकल कर सामने आ रही है। श्याम और नर्सिंग ट्यूटर अनिल चौधरी ने
30 जून रविवार को आरएनसी को खुलवा कर लिस्ट जारी करवाई और 8 निजी संस्थाओं की मिठाई आने पर नाम डाल दिया गया। वहीं इन चारों को पता था कि छुट्टी के चलते उन्हें कोई मिठाई लेने से रोक नहीं पाएगा, जबकि 8 महीने पहले ही आरएनसी की 4 अक्टूबर 2023 को हुई जीबी की मीटिंग में इन संस्थाओं को संबद्धता जारी करने पर सहमति बनाई गई थी। सूत्रों की माने तो काउंसिल में एफिलिएशन की मिठाई पहुंचती रही और आरएनसी टुकड़ों में लिस्ट जारी करती रही। आईएनसी के एफिलिएशन की अंतिम तारीख 31 मई मुकर्रर कर रखी थी, तो ऐसे में आरएनसी 30 जून तक क्यों लिस्ट जारी करता रहा। इतना ही नहीं, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने भी काउंसिल के लिस्ट में बिना ऑब्जेक्शन किए निजी संस्थाओं को संबद्धता जारी कर दी। ऐसे में विश्वविद्यालय ने भी एफिलिएशन जारी करने की अंतिम तारीख मुकर्रर कर रखी थी, तो ऐसे में रविवार के दिन जो छुट्टी का दिन होता है, छुट्टी होने के चलते किस अधिकारी ने इन संस्थाओं की संबद्धता जारी करने का आदेश दे दिया। आखिरकार जिन संस्थाओं पर पेनल्टी लगानी चाहिए थी। रविवार को भी लिस्ट क्यों जारी की, उसमें 8 निजी संस्थाओं का नाम 8 महीने पहले आरएनसी की 4 अक्टूबर 2023 को जीबी की मीटिंग में संबद्धता जारी करने पर सहमति बनी, तो किसके इशारों पर टुकड़ों में लिस्ट जारी क्यों की गई? आईएनसी के गाइडलाइंस के अनुसार एफिलिएशन की अंतिम तारीख 31 मई मुकर्रर थी, तो आरएनसी 30 जून तक क्यों लिस्ट जारी करता रहा? विश्वविद्यालय के एफिलिएशन जारी करने के लिए अंतिम तारीख 30 जून थी, तो आखिरकार छुट्टी होने के चलते किस अधिकारी ने इन 8 निजी संस्थाओं को संबद्धता जारी की? इन 8 निजी संस्थाओं पर पेनल्टी लगाने की जगह विश्वविद्यालय की संबद्धता क्यों दी गई? एडिटर इन चीफ है न्यूज 21 के सुमित कुमार जी से हम तमाम जानकारी इस पूरे मामले में लेंगे, क्योंकि आजकल मौसम की तरह एक ये भी फैला हुआ है कि भाई पैसा दो और मान्यता लो। तो सुमित जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि देखिए नर्सिंग में जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, बात करें एक बिल्डिंग में कई कॉलेजेस चल रहे हैं, मान्यता के नाम पे फर्जीवाड़ा जो है वो धड़ल्ले से चल रहा है, तो आपसे जानना चाहूंगी आखिरकार सरकार और विभाग इस पर अब तक क्या कर रहा था, क्या कहेंगे आप, क्या कहना है इस पूरे मामले पे आपका? देखिए रितिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा तो जो प्रदेश के जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं काफी, चाहे वो उदयपुर बात करें, जयपुर बात करें, अजमेर बात करें, सीकर बात करें, दौसा बात करें या और कहीं किसी भी अन्य जिले की बात करें जी, कहीं ना कहीं नर्सिंग कॉलेजों में जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है। क्योंकि हमारी जो खबर प्रमुखता से जो हम चला रहे हैं, तो जिस तरीके से जो एक घोटालेबाजों का रेड कार्ड निकल के सामने आया है, ये परिपाटी पिछले कई सालों से चली आ रही है। इस परिपाटी के अंदर सरकार और सरकार के नुमाइंदे दोनों ही हाथ पे हाथ रहे बैठे हुए हैं, जबकि इतना बड़ा खेल अगर पूरा सरकार की नाक के नीचे चल रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार की जानकारी में नहीं है, विभाग की जानकारी में नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। सुमित जी, आगे आपसे जानना चाहूंगी, इसी बात से मैं एक सवाल करना चाहूंगी। देखिए जो आपने वसूली की बात करी, तो जो वसूली का खेल चल रहा है, सबसे बड़ी बात है उसका रेड कार्ड बनाया गया हुआ है। हम बात करें एफिलिएशन लिस्ट की, अगर मैं बात करूं स्कूटनी की रिपोर्ट की बात करूं या फिर मैं फाइलें निकालने की एवज में अच्छा खासा पैसा वसूला जाता है, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए रितिका जी, आरएनसी के अंदर, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के अंदर ये हर वो कदम है या हर वो पायदान है जहाँ हर नर्सिंग कॉलेज के संचालक या मालिक या जो उनकी जो संचालन बॉडी है उसको कहीं ना कहीं पायदानों पर अपना माथा टेकना ही पड़ता है। उन माथों की, उन पायदानों की रेट फिक्स की हुई है। अगर आपको निरीक्षण करवाना है तो आपको निरीक्षण का पहला पायदान पार करना है, फिर दूसरा पायदान है उसको पार करना है, फिर स्कूटनी कमेटी है, रजिस्ट्रार का अभिमत है, फिर यहाँ ले दे करके फिर सीधा सीधा सचिवालय जो गुरु चिकित्सा विभाग ग्रुप थर्ड है वहाँ ये पूरा का पूरा मटेरियल जो जितना भी बनता है यहाँ से फिर वो वहाँ डाल दिया जाता है या वहाँ भेज दिया जाता है। उस स्कूटी उसको बोला जाता है बंद लिफाफे में रिपोर्ट भेज रहे हैं, जबकि बंद लिफाफे में तो ये पैसा लेते हैं, बंद लिफाफे में तो वो कागजी कार्रवाई जाती है, वो खाना पूर्ति वाली कागजी रिपोर्ट जाती है, जिस पर एसी कमरों में बैठे हुए वो अधिकारी आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं। जबकि धरातल के ऊपर अगर आज देखा जाए तो उन नर्सिंग कॉलेज की स्थिति और वहां पढ़ने वाले बच्चों की इतनी बड़ी मजबूरी है जो खुल करके आकर के सामने कह भी नहीं पा रहे हैं। जी रितिका
जी जी जारी रखिए सुमित जी। रितिका, उन छात्रों की और उन परिजनों की और उन संचालकों की भी बड़ी विनम्रता है, उनकी इतनी बड़ी मजबूरी है, अगर वो खुल के आकर के इनके सामने इनके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो मान्यता है उस पर कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा हो जाएगा और उनको नाजायज तौर पर परेशान किया जाएगा इन नर्सिंग ट्यूटरों की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे हर बार जब जैसे चेहरा बदलता है तो नर्सिंग ट्यूटर भी उन चेहरों के साथ बदल जाते हैं। यहाँ तक ही नहीं, उन नर्सिंग ट्यूटर रजिस्ट्रार और नीचे एकेडमिक और बाबुओं का जो चेहरा है वो तक भी बदल जाता है। यहाँ पे चहितों को और वो साथी या उन घोटालेबाज आदमियों को यहाँ एंट्री दी जाती है तो इनके इशारे पे वो काम कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमित जी। इसी बात से मैं जानना चाहूंगी, देखिए आपने खुद ने देखा होगा कि इसके साथ ही इस पूरे फर्जीवाड़े में सबसे बड़ी जो बात होती है भाई, शिकायत अगर कोई करता है तो देखिए बात करें शिकायतों की तो पीएमओ सीएमओ या संबंधित विभाग में दर्ज होती है, उन पर कार्रवाई नहीं करने के एवज में हम बात करें सुमित जी तो 15-15 लाख रुपए की डिमांड रखी जाती है, वो भी खुले आम जिसको बोलते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी क्या ये पूरा खेल पैसे के दम पर चल रहा है? देखिए रितिका जी, अगर कोई भी किसी भी कॉलेज के खिलाफ शिकायत अगर यहाँ विभाग के अंदर होती है या पीएमओ होती है सीएमओ होती है संपर्क पे होती है लोकायुक्त में होती है या संबंधित जो भी विभाग है जहाँ शिकायत करता है उन शिकायतों की जांच का अंतिम पायदान भी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ही है। नर्सिंग काउंसिल की ही जिम्मेदारी होती है कि उसका निरीक्षण करे, उसकी रिपोर्ट करे और आखिरकार राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार तो सीट पे से उठ के जाती नहीं है वहां पे निरीक्षण करने के लिए, कहीं ना कहीं वो कि वो वापस जिम्मेदारी नर्सिंग ट्यूटर पे आ जाती है। वो वही नर्सिंग ट्यूटर होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रजिस्ट्रार के साथ अटैच होते हैं, वो कहीं ना कहीं उन नर्सिंग संचालकों से मिली भगत होती है, मिले हुए होते हैं। आखिरकार जो शिकायत करता होता है, इतना ही नहीं रितिका जी, शिकायतकर्ता को भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, शिकायतों को किस तरीके से यानी कि खत्म किया जाता है ये नर्सिंग ट्यूटर बेखौफ और अच्छे तरीके से इस चीज को जानते हैं। अगर बात की जाए जयपुर में ही एक एक बिल्डिंग के अंदर दो दो कॉलेज चल रहे हैं, जबकि नर्सिंग ट्यूटरों को रजिस्ट्रार को सब कुछ पता है। आखिरकार शिकायतें अधिकारियों को उन पे कार्रवाई करने के लिए नहीं, शिकायत तो अधिकारियों की एटीएम बन के रह गई है आज की तारीख के अंदर वहाँ पे। बिल्कुल जी रितिका जी, बिल्कुल सुमित जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वही मैं जानना चाहूंगी कि क्या इस पर कभी आपकी बात संबंधित विभाग या चिकित्सा मंत्री से कभी हुई, क्योंकि ये पूरा एक स्कैम बड़े स्तर पर चल रहा है सुमित जी। देखिए रितिका जी, अभी लगातार जिस तरीके से अभी वर्तमान चिकित्सा मंत्री जी गजेंद्र सिंह खिंसूर साहब है, हमारे लगातार उनसे संपर्क होता रहता है, बातचीत होती रहती है, वो भी इस चीज को लेकर के बड़े पॉजिटिव हैं कि इस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है तो वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि मंत्री जी ने जैसे ही चिकित्सा मंत्री का पद संभाला था उसके बाद पिछले 2 साल से जो ISMS के किडनी कांड चल रहा था, प्लाज्मा ले लीजिए, ब्लड बैंक पे ले लीजिए या फिर मिलावटखोरों पे ले लीजिए, इस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई करके अपने तीखे तेवर तो मंत्री जी ने दिखा दिए। आखिरकार एक और चीज है रितिका जी, यहाँ पे मंत्री जी की नजरों से इन सब चीजों को बताया जा रहा है कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल को किस तरीके से छुपा करके रखा जाए, ये है उस रजिस्ट्रार के लिए सबसे बड़ी बात सोने की खान है। जो रजिस्ट्रार यहाँ आता है वो सोने की खान का मालिक बन जाता है, उसके हर कदम पे तैयार रहता है। यहाँ पे रजिस्ट्रार और मंत्री के बीच में ना तो तालमेल बैठ पाती है, और इस बीच में भी कई कड़ियां ऐसी है, ACS मैडम है, ग्रुप थर्ड है, या हमारे मेडिकल डायरेक्टर है अध्यक्ष जी, जो VK माथुर साहब है, जो पिछले कई सालों से सीट पे जमे हुए हैं, चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे BJP का राज हो, एजे वो रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के एक तौर पे देखा जाए तो अध्यक्ष भी है और वहां पे मेडिकल डायरेक्टर के अंदर निदेशक भी है। दोहरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी वो निभा रहे हैं, तो अध्यक्ष के नाते जो मीटिंग होती है, GB की मीटिंग होती है, स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग होती है, उनकी सब जानकारी के अंदर होती है, तो कहीं ना कहीं निदेशक महोदय की बड़ी जिम्मेदारी यहाँ बनती है कि वो मंत्री जी तक तो ये सब चीजें पहुंचाए, लेकिन आज तक मंत्री जी तक इस तरीके की कोई भी चीज नहीं पहुंची है। जबकि हमने सबसे बड़ा सवाल इस खबर में हमारा यह है कि 30 जून जो की रविवार का दिन था, उस दिन आखिरकार राजस्थान नर्सिंग काउंसिल को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई, या ऐसा कौन सा जो काम था जो रविवार के दिन खोल करके RNC को खर करना पड़ा, वो काम तो पहले भी किया जा सकता था। और इतना ही नहीं, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ने 30 तारीख को खोला, मेल कर दी, जबकि RUHS की 30 जून ही अंतिम तारीख थी,
तो बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे कि आखिरकार सबसे पहले तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल को ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई है, किसके दिशा निर्देश थे जिसके ऊपर उसको खोलने की आवश्यकता पड़ी और खोलने के बाद में उसी दिन संडे के दिन इसे जारी करनी पड़ी। क्या उनको पहले पता नहीं था अधिकारियों को, रजिस्ट्रार को ये पहले जानकारी नहीं थी? और सबसे बड़ी बात एक और यहाँ रितिका जी, 4 अक्टूबर 2023 को जब ये 23 की जीबी की मीटिंग, जीबी जनरल बॉडी की मीटिंग राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के अंदर हुई थी, उस मीटिंग के अंदर ये ऑलरेडी इन संस्थाओं को पहले ही मान्यता दे दी गई थी या इनको पहले ही सुटेबल पा लिया गया था, तो आखिरकार ये लिस्टें डालने का कारण क्या रहा? ये तो रजिस्ट्रार मोदिया पे सवाल निशान है, उनकी अयोग्यता पे सवाल निशान खड़ा करता है और ये उनके उन आजू बाजू दोनों तरफ लेफ्ट और राइट उन आदमियों पर भी सवाल निशान करता है जो आज की तारीख में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल को उनके उनके इशारों पर चला रहे हैं। यहाँ पे एक और मैं चीज कहना चाहूंगा रितिका जी आपको, यहाँ चलाने वाले कोई और नहीं, पहले इस तरीके से यानी कि यहाँ जो खेल चल रहा है उस पे रजिस्ट्रार महोदय का कोई रोल नहीं है, वो तो अनभिज्ञ है, उनको जानकारी नहीं है क्योंकि वो क्लिनिकल के सेक्टर से निकल करके एकेडमिक सेक्टर के अंदर आई है और एकाएक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देना। हम भी कई बार उनसे रजिस्ट्रार से मिले हैं, हमने भी कई बार उनको जानकारी दी कर रजिस्ट्रार महोदया ये देखिए ये फर्जीवाड़ा आपका चल रहा है, आपका बाबू ये काम करता है, आपका ट्यूटर ये काम कर रहा है जी, जी। पेपर लीक में इतना ही नहीं, इन में रजिस्ट्रार महोदया का तो यहाँ तक पता नहीं है कि पेपर लीक में शामिल लोगों से यहाँ तक की नर्सिंग कॉलेजों का निरीक्षण तक करवा दिया जाता है। बताइए तो यहाँ रितिका जी, यहाँ एक और चीज बहुत बड़ी बात है, अगर इतनी अयोग्य थी अनभिज्ञ थी तो आखिरकार इनको सीट पर डमी के तौर पर बैठा क्यों रखा सरकार ने? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है सुमित जी, आपकी एक एक बात से हम सहमत। और देखिए साफ तौर पर ये दिख रहा है ये कुछ और नहीं, मिली भगत का खेल है, मिठाई के नाम पर, मुंह दिखाई के नाम पर हम कह सकते हैं धड़ल्ले से ये जो खेल खेला जा रहा है छात्रों के साथ, लोगों की शिक्षा के नाम पर ये जो खिलवाड़ खेला जा रहा है ये साफ तौर पर दिख रहा है। सुमित जी आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए एक तरफ तो चिकित्सा मंत्री जी जो है वो प्लाज्मा ब्लड किडनी मिलावट फूड और इस तरह की कार्रवाई की जा रही है कहने का मतलब, अगर दूसरी मैं बात करूं तो नर्सिंग काउंसिल में उनकी नाक के नीचे से बड़े पैमाने पर अवैध वसूली और भ्रष्टाचार का घिनौना खेल खेला जा रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए रितिका जी बिल्कुल सही बात है, मंत्री जी की नाक के नीचे चल रहा है, पर मंत्री जी को बिल्कुल इस चीज की जानकारी नहीं है क्योंकि मंत्री जी ने जिस तरह की जिम्मेदारी ली है, मंत्री जी ने सीट पर बैठते ही जिस तरीके से सीट पर बैठने के बाद दिखा है यानी कि चिकित्सा विभाग की हैसियत सुब्रत सिंह जी को डायरेक्ट निर्देश थे कि किडनी कांड के ऊपर कार्रवाई करनी है, किडनी कार्रवाई और मंत्री जी की इच्छा शक्ति का यार आज राजस्थान में इस तरीके का सामने चीज निकल करके आई है कि आज किडनी कांड के अंदर पहले तो एसओसी जांच कर रही थी, अब उसके अंदर ईडी की एंट्री भी हो गई है, आज से ईडी भी उस पर कार्रवाई करना शुरू कर देगी। तो ये तो इच्छा शक्ति थी चिकित्सा मंत्री जी की कि आखिरकार इतने बड़े भ्रष्टाचार जो कि पिछले कई सालों से मीटिंग ही नहीं हो रही थी, किसके नाम किसका रिश्तेदार कौन कहां से आया कहां नहीं, यानी कि बड़े बड़े इतने बड़े दबाव को और चिकित्सक को इतना भारी विरोध होने के बावजूद भी चिकित्सा मंत्री जी ने अपने तीखे तेवर दिखाए, उसके बावजूद इस तरह की बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिली है। राजस्थान के अंदर पहली बड़ी इतनी कार्रवाई है किडनी कांड के ऊपर जो हो पाई है, अगर मंत्री जी की इच्छा शक्ति नहीं होती ना कार्रवाई करने की तो इतना बड़ा स्कैंडल चलने वाला जो 2 साल से गुपचुप तरीके से चल रहा था वो कभी खुल के आम जनता के सामने नहीं आ पाता, ठीक है, ये मंत्री जी की इस पहल के चलते उन लोगों पे इसके बाद में पूरा का पूरा ढांचा चेंज हुआ है। मंत्री जी की इच्छा शक्ति ये कि जिसके चलते इस किडनी कांड की कमिटियों में फेरबदल हुए, चेहरे बदले गए, एक का एक ऊपर से लेकर वीसी तक का इन्होंने, सबसे बड़ी बात एक और है कि मंत्री जी ने आरयूएचएस के वीसी सुधीर भंडारी का इस्तीफा तक मांग लिया उसके अंदर और उनको आखिरकार देना पड़ा इस्तीफा, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है कि चिकित्सा मंत्री जी की इच्छा शक्ति है, मैं हम बिल्कुल खुले खुले मन से कहना चाहता हूं मैं हमारे चैनल के माध्यम से कि मंत्री जी हम खुद आपसे एक अपील करते हैं कि आप इन फर्जी कॉलेजों की अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे पास पूरी जानकारी मौजूद है, आपसे कागज चाहिए कागज लीजिए, इन पे कार्रवाई करिए आखिरकार। ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि पिछले जो मंत्री भी आए उन मंत्रियों पर सवाल निशान तो खड़ा होता ही होता है, आखिरकार इतनी कार्रवाई क्यों नहीं हो पाना जबकि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हम राजधानी के अंदर बैठे सरकार यहाँ है प्रशासन यहाँ है, बिल्कुल शक्ति वाले से मैच कुछ दूरी के ऊपर इस तरीके का खेल खेला जा रहा है, क्या बड़े बड़े अधिकारी को पता नहीं है? ठीक है, एस सुब्रा सिंह जी को सब कुछ पता है, सब कुछ जानकारी है उनको इस बात की कि नर्सिंग के अंदर किस तरीके का खेल चल रहा है, तो वो कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? वो मंत्री जी को क्यों नहीं जानकारी जिसकी डाली की इस तरह बड़ी इतना बड़ा रेट कार्ड या मेन्यू सब कुछ खुले खुले आम चल रहा है ये खेल,
एक और चीज रीतिका जी मैं कहना चाहूंगा आपको, अशोक नगर जहाँ आरएनसी जहाँ आज की तारीख में जहाँ है उसके इर्द और गिर्द के अंदर प्रशासन पूरा बैठा है, सीबीआई वहाँ मौजूद है 100%। पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे रीतिका जी आपको, सीबीआई की महज कुछ दूरी के नाक के नीचे या देखा जाए कि आंखों के सामने फाइव स्टार होटल के अंदर ये नर्सिंग ट्यूटर वहां पे चलचार लोगों से बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। आखिरकार इनको आरएनसी में बैठकर, क्योंकि ये जानते कि मुंह दिखाए मीठा मुंह वहां हो नहीं सकता, बिल्कुल सही कहा, हमें ऐसी कोई ना कोई ऐसी जगह चाहिए। फाइव स्टार होटल को इसलिए चुना जाता है क्योंकि वहां पे एक आम आदमी का आना जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और ये वहां पे उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिनसे इनको मिलना है। बिल्कुल जी, इसी बीच मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार आज जहां किडनी कांड की बात हो रही है, किडनी कांड पर चिकित्सा मंत्री के कड़े रुख के चलते इतनी बड़ी कार्रवाई हुई जिसके बारे में आपने बताया, तो उसमें आज ईडी की भी एंट्री हो गई, तो आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़े सीधे मुद्दे पर जांच एजेंसियां एसीबी सीबीआई क्या कर रही है, जबकि मध्य प्रदेश में चल रहे नर्सिंग कॉलेजों पर खामियां उजागर हो चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, राजस्थान में आखिरकार कब ऐसी कार्रवाई होगी, कब हमें ऐसी कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी? देखिए रीतिका जी, बहुत अच्छी चीज है, हम भी चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर मध्य प्रदेश की तरह, मध्य प्रदेश की तर्ज पे ही कार्रवाई हो, सरकार की इच्छा शक्ति हो, चिकित्सा मंत्री जी तो चाहते हैं पर सरकार भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाएगी अगर मंत्री जी की इच्छा शक्ति होगी तो। और रही जांच एजेंसी की बात, तो जांच एजेंसियां इस समय एसीबी के अंदर कई शिकायतें ऐसी दर्ज हुई हुई है जिनके ऊपर एसीबी को कार्रवाई करनी थी, लेकिन एसीबी क्यों कहा कार्रवाई नहीं कर पाई वो तो एसीबी बताए। आखिरकार हो सकता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि 2013 के अंदर एसीबी के अंदर कम से कम एकाएक जो 2013 के अंदर राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी, कम से कम उसके अंदर 80 से 90 कॉलेज ऐसे थे जिनको मान्यता दी गई थी, उनपे एसीबी ने रेड डाली थी, उन पे सभी पे एसीबी ने धीरे धीरे ताल पे ताल यानी कि समय पे समय निकलता गया, एसीबी उन कार्रवाइयों पे जो एक्शन लिया गया था उस एक्शन पे पूरी तरीके से फुल फिट बैठ नहीं पाई एसीबी। बाकी रही सीबीआई की बात, तो सीबीआई तो जांच एजेंसी है, आईएनसीबी इसके अंदर पहल करे, आईएनसी के अंदर में सीबीआई क्या सेंट्रल की सेंट्रल की बॉडी होने के कारण क्या सेंट्रल की केंद्र सरकार का इसमें हस्तक्षेप ज्यादा रहता है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार अगर चाहेगी, अगर राज्य सरकार और चिकित्सा मंत्री जी अगर सीबीआई को लिखते हैं कि इस तरह के जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उस पर जांच होनी चाहिए, तो सीबीआई की जांच कहीं ना कहीं हो सकती है। पर यही सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई की जांच भी होगी अगर मध्य प्रदेश जैसी सीबीआई की जांच अगर यहाँ होती राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो कॉलेजेज है उन कॉलेजों की स्थिति दयनीय है, ना वहाँ स्टाफ है, ना लैब है, ना लाइब्रेरी है, एक एक बिल्डिंगों में कई बड़े बड़े कॉलेजेस चल रहे हैं, कभी स्पेशल बीएड का चल रहा है, फार्मेसी चल रही है, पैरामेडिकल चल रहा है, यानी कि एक तरीके की बंदर बांट हो रही है पूरे नर्सिंग के अंदर, एजुकेशन माफिया इस तरीके का सक्रिय है, जो अपने इनके हम जो कह रहे हैं कि रेड कार्ड के हिसाब से इन शिक्षा माफिया इनकी पूर्ति कर रहा है। तो मैं इसी बीच में जानना चाहूंगी, देखिए अगर अब हम बात करें थोड़ी आगे कि अजमेर के तबीजी में अगर हम बात करें संचालित राजस्थान नर्सिंग स्कूल पर चिकित्सा विभाग कार्रवाई करता है, तो आखिरकार पूरा माजरा क्या था आपसे जानना चाहेंगे, तबेले में चल रहे स्कूल में ना लैब है ना लाइब्रेरी थी, ऐसे में टीचिंग स्टाफ भी नहीं था, तो ऐसे और भी प्रदेश में नर्सिंग स्कूल कॉलेजेस होंगे जो तबेले में या बिना किसी बिल्डिंग के चल रहे होंगे, तो आखिर बिल्डिंग बॉयज का नियम क्या कहता है, बायोलॉज का नियम क्या कहता है, माफी चाहूंगी। देखिए रीतिका जी, बिल्डिंग बायोलॉजी के नियम तो आईएनसी ने पहले ही बहुत पहले बना दिए थे और उसका गजट नोटिफिकेशन भी निकला हुआ है जो भारत सरकार के राज्यसभा लोकसभा से पारित होकर के आया हुआ है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि नर्सिंग कॉलेज का संचालन खुद की उसकी संस्था की जमीन के अंदर होगा, जबकि कहीं ना कहीं ये जमीनें जो है किसी खुद की या तो किसी आदमी के नाम है, किसी की महिला के संचालक की पत्नी के नाम है, कोई बेटे के नाम है, यानी कि पारिवारिक तौर पर जो जमीन है उनको कह दिया जाए, कुल मिलाकर के हाउसिंग जो होगा वो आवासीय जो है कॉलोनियां उनके अंदर वो प्लॉट ले लिया उन्होंने, ना तो उनके निर्धारित मामलों को पूरा किया जा रहा है, 23,000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए जो कि नर्सिंग के अंदर बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर इस तरीके से अगर नियमों की पालना नहीं की जानी थी तो नियमों में क्यों ना बदलाव कर दिया जाए, सरकार को भी देखना चाहिए कि अगर कोई कॉलेज नियमों की पालना नहीं कर रहा है तो ऐसे नियमों को आखिरकार क्यों थोपा जा रहा है संचालकों के ऊपर जिसकी पूर्ति वो नहीं कर सकते। खामियां तो कहीं ना कहीं है रीतिका जी, देखिए मैं बताऊं आपको, नियमों में इस तरीके की खामियां हैं कि जिनका फायदा नर्सिंग ट्यूटर भी उठा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक का हर आदमी उठा रहा है। मिली भगत साफ तौर पर देख रही है। एक आखिरी सवाल सुमित जी आपसे जानना चाहूंगी कि कॉलेजों की मान्यता और संबद्धता देने वाली आरएनसी की
बाद विश्वविद्यालय में कई ऐसी लिस्टों को बिना जांच पड़ताल करे ही संबद्धता जारी कर दी जाती है, तो क्या आरएनसी की लिस्ट ही इतनी प्रमुख या इम्पोर्टेंट हो गई कि बिना जांच के ही काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाता है? इसमें फिर आरयूएचएस की भूमिका क्या रही, ये आखिरी सवाल मैं आपसे बस जानना चाहूंगी। देखिए रीतिका जी, मैं आपको यहाँ सीधे और सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही यहाँ नर्सिंग मान्यता के दो पहलू है, पहला आरएनसी, दूसरा आरयूएचएस। बिल्कुल, होने को तो आरयूएचएस भी अपनी स्कूट नहीं करवाता है, निरीक्षण करवाता है, ठीक है, आरएनसी भी अपनी स्कूट नहीं करता, निरीक्षण करवाता है, हर साल एफिलेशन के नाम पे जो आरएनसी के अंदर हो रहा है वही खेल आरयूएचएस के अंदर भी हो रहा है। बिल्कुल, एक सिक्के के दो पहलू होने के कारण क्या है कि यहाँ पे नर्सिंग संचालक जो है, नर्सिंग कॉलेजेस वाले जो प्रदेश के हैं, वो इतना अच्छा फायदा उठा रहे हैं कि बंदरों की लड़ाई करवा रखी है। जी बिल्कुल, बिल्कुल, कारण आरएनसी के अंदर कुछ और कागज जमा करवाते हैं और आरयूएचएस के अंदर कुछ और कागज जमा कराते हैं। इन कागजों का कागजी खेल भी है ना, आरएनसी और आरयूएचएस में चल रहा है। अगर देखा जाए तो दोनों की ऑटोनोमस बॉडी है, दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, पर दोनों ही अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहे आखिरकार, क्योंकि जिस तरीके का आज हमने जो बड़ा खुलासा किया है कि रेड कार्ड और मेन्यू और वेन्यू हर चीजें खुल के आ रही है, आरयूएचएस के नाक के नीचे, तो वहां पे मैं कहूँ हमारे विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि प्रताप नगर का एक ऐसा वो घर है जहाँ पे इन संचालकों का तांता लगा रहता है, मौसमी की पेटियां, जीरो की पेटियां, यहाँ तक की जीरो की बोतलें, काफी कुछ। आप ये देखिए रितिका जी के जीरो की बोतल नहीं, मौसम की मौसमी की पेटियां गंगानगर से बिल्कुल बाकायदा कहकर के मंगाया जाती है कि आपको आ रहे हो तो ये लेकर के आना है। बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं एफिलेशन की लिस्ट में नाम डालने के दो घर भी है। सबसे बड़ी बात उस घर का हम जल्दी खुलासा करेंगे, उस घर के ऊपर जहाँ जिस तरीके की जीरो की बोतलें, मौसमी की पेटियां, संतरे, बर्फी और आरयूएचएस की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी बात है साहब, 15-15 लाख। मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ आपको, आरयूएचएस के वीसी थे राजा बाबू पवार साहब, उनके जाने के बाद कमान आई सुधीर भंडारी जी के हाथ में, सुधीर भंडारी जी ने इसका बंटाधार जैसे कभी किडनी कांड का किया था, किडनी कांड के सबसे बड़े मुख्य अगर सूत्रधार थे तो वो थे सुधीर भंडारी जी, और ऐसा ही आरयूएचएस का है। अगर आरयूएचएस के अगर इतने बड़े स्कैंडल का सूत्रधार है कोई और अधिकारियों को जो मनमर्जी का जो खुला को छोड़ने का रास्ता जो सुधीर भंडारी जी ने दिया था, वो सुधीर भंडारी जी सबसे बड़े जिम्मेदार है उसके। आज भी अधिकारियों की जिम्मेदारी ऐसी है कि वो ना तो पूरा कर पा रहे हैं, खाली आरएनसी से कोई कागज आता है उस कागज को ये देख लेते हैं कि आरएनसी आ गई, जबकि वो की वो फॉर्मेलिटी वो भी कर रहे हैं वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल, एक संचालक के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक संचालक को एक जगह रेड कार्ड और वेन्यू, यहाँ का ही नहीं है, आरएनसी का ही नहीं है। अगर बड़ी बात देखी जाए तो जो रेड कार्ड और वेन्यू निकल के बाहर आया हमारे सामने, जो हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है, वो आरएनसी पे भी लागू और वही आरयूएचएस पे लागू है। आरयूएचएस पे एक बाबू ऐसा है जिस बाबू, जो बाबू खुलेआम पूरे आरयूएचएस को चला रहा है, पूरे आरएचएस को चला रहा है। साहब सबसे बड़ी बात करें चिकित्सा विभाग के ग्रुप तीन के नाम पर 10-15 लाख रुपए, सबसे बड़ी बात है फाइल निकालने के नाम पर सीधे तौर पर मांगे जा रहे हैं। देखो रितिका जी, ये तो क्या है, अपनी अब खानापूर्ति तो करनी है कि इनको जो नीचे पायदान पे इन्होंने पहले जो पैसे ले लिए, अब उस पैसे का फायदा उस आदमी को तभी, संचालक को तभी मिल पाएगा जब यहाँ से सचिवालय से जो फाइल गई है वो पूरी वहां से निकल जाए। तो ये लोग इतना दावा तक भी कर देते हैं, उससे वादा भी करते हैं और दावा भी करते हैं कि हम वहां की जिम्मेदारी भी हम लेते हैं कि हमको कैसे फाइल निकालनी है। 15 लाख रुपए शिकायत जो हुई है उस पर कार्रवाई नहीं करने के नाम पर भी सीधा सीधा 15 लाख रुपए मांगा जाता है, कहने का मतलब है सारे पिटारे बंद करवाने के लिए 15 लाख दो, छुट्टी पाओ। देखिए रितिका जी, क्योंकि इन ट्यूटर को अच्छे से पता है कि क्योंकि पहले वाले ट्यूटर क्या करके आया है, क्योंकि ये सारे पूरे कुएं में भांग बुली हुई है और सारे ट्यूटर एक ही जगह बैठते हैं, इनको पता है जीएनएमटीसी हो चाहे वो जयपुर की हो, चाहे दौसा की हो, जयपुर की हो, अजमेर की हो, उदयपुर की हो, सब ना कहीं वही नर्सिंग ट्यूटर से जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं होते रहते हैं और कहीं ना कहीं आज रजिस्ट्रार भारती है, इससे पहले जैसे गोविंद जी थे, महेश जी थे और भी जो रजिस्ट्रार आए हैं उनके समय में नर्सिंग ट्यूटर्स के चेहरे बदलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं नर्सिंग ये निरीक्षण के लिए जाते हैं, शिकायतों पे जाते हैं, तो जो शिकायतें होती है उन शिकायतों को किस तरीके से शिकायतकर्ता को ही कटघरे में खड़ा करना इनको अच्छे से आता है। बिल्कुल, ये सब पारंगत है, इतने साबित हो गए हैं कि इन्होंने यहाँ तक कि सरकारी विभागों के फर्जी लेटरों को भी इन्होंने, जबकि एक विभाग ने लिख करके देखा कि ये फर्जी लेटर जारी हुआ है, इन्होंने इतना करवा दिया कि उस फर्जी जो पहले ही उन्होंने जो लेटर जारी करा उसको खारिज करा करके दूसरा लेटर नया जारी करवा दिया, वो तो ओरिजिनल कागज है, जारी किया गया हमारे यहाँ से।
तो बहुत बड़े सवाल ही निशान है, यही निशान नहीं है। हमारे सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि मान्यता और शिकायतों के लिए तो चीजें होती है, इन कागजों को बदला भी जा रहा है, बाहर से कागज अंदर फाइल में चला जाता है और अंदर से कागज बाहर आ जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। सुमित जी, किसी चीज का खौफ तो है नहीं, कहने का मतलब है पता है 15 लाख दो और सीधा मुंह बंद करवाओ। पैसे तो हर तरीके से इनको लेना आता है, किस तरीके से लिया जाता है, ये सिर्फ पारंगत है अच्छे से जी। चाहे नर्सिंग ट्यूटर किसी की उठा करके देख लो, इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, इनकी पूरे बायोडाटा निकलना चाहिए कि इस तरीके से इन्होंने कहां से पैसा आया। ये जब भी ये जाते हैं यहाँ से, जबकि आरएनसी इनको नॉमिनल चार्जेस के ऊपर भेजती है, ये वहां रुकते हैं तो जिस जगह रुके हैं उस जगह का बिल दे रहे हैं, वो बिल कभी नहीं मिलेगा क्योंकि ये 5 स्टार होटल के अंदर जाकर के रुकते हैं। सीधे सीधे संचालक से जाने से पहले डिमांड होती है कि मुझे तो 5 स्टार होटल में रुकना है और इसमें रुकना है, ये ऑडियो वीडियो मेरे पास है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यानी कि इस तरीके के संचालक जो है वो परेशान है, पिस रहे हैं, पर दबी आवाज में कहने को तो सब कुछ राजी है, पर खुलेआम ऐसे जैसे आज हमने खुलेआम कहिए ऐसे आकर के कहने को कोई सामने आने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा है। जी सुमित जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से आपने प्रकाश डाला है वाकई काबिले तारीफ है सुमित जी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से शिक्षा के आड़ पर धड़ल्ले से जो खेल खेला जा रहा है, ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, सिर्फ एक व्यक्ति पे नहीं पूरे प्रशासन पे, शिक्षा विभाग पर ये सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार भाई इस पे कार्रवाई कौन करेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कार्रवाई कब होगी, पहला सवाल तो ये बनता है कि कार्रवाई करेगा कौन, क्योंकि सबके नजरों में इस तरह के मामला है, खुलेआम है, पर कार्रवाई करने के लिए कोई रेडी नहीं है, क्योंकि जो कार्रवाई करेगा वो खुद इस खेल के अंदर मिली भगत में शामिल है। सुमित कुमावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडिटर इन चीफ सुमित कुमावत जी, जिन्होंने पूरे मामले को लेकर पूरे प्रकाश डाला, देखा अपने खेल की किस तरीके से शिक्षा के नाम पे ये जो धड़ल्ले से खेल चल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। साथ ही मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि आखिर नर्सिंग काउंसिल के हर कदम पर पैसों के घोटालेबाजों ने रेड कार्ड तक बना रखा है। इतना ही नहीं, अनिल चौधरी ने भारती को अपने विश्वास के जाल में इस कदर फंसा रखा है, जो पुरुषोत्तम कुंभज जो है इसमें मुख्य एक सूत्रधार है, उसके इशारों पर काउंसिल में फैल पास तक के खेल को अंजाम दिया जा रहा है। जी, एक और प्रदेश में एसओजी जैसी जांच एजेंसियां पेपर लीक पर कार्रवाई कर रही है, इसके साथ ही लेकिन भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने वाली एसीबी आखिरकार क्यों चुप है, बहुत बड़ा सवाल है अपने जी। जबकि सीबीआई ऑफिस से महज कुछ कदम की दूरी पर स्थित 5 स्टार होटल में लूट के खेल की डील को अंजाम दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटालों की तरह राजस्थान सरकार को भी पहल कर काउंसिल के कामकाज सहित नर्सिंग ट्यूटरों की संपत्ति की है वो जांच करवानी चाहिए, हालांकि इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर मैं बात करूं तो चिकित्सा मंत्री जी, आपके विभाग संभालने से लेकर अब तक चिकित्सा महकमे में व्याप्त भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने की छवि ने आपसे आस जोड़ दी है, जबकि निजी कॉलेज के संचालक भ्रष्टाचार की मार से पंगु तो है लेकिन दबी आवाज में काउंसिल में पोलियो की तरह फैले भ्रष्टाचार से मुक्त होने की दवा का इंतजार करता नजर आ रहा है। आखिरकार अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि घोटालेबाजों का मेन्यू और वेन्यू दोनों ही सामने आ चुका है। ऐसे में चिकित्सा मंत्री जी किडनी कांड की तरह नर्सिंग शिक्षा में भी उच्च स्तरीय जांच करवाकर ऐसे घोटालेबाजों पर क्या आपकी गाज गिरेगी या फिर यूं ही खुलेआम नर्सिंग शिक्षा की बोली लगती रहेगी, बहुत बड़ा सवाल है ये अपने आप पे। और इस खास खबर में हम आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे क्योंकि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसको लेकर हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। और चिकित्सा मंत्री जी, हमारा भी आपसे यही सवाल है कि आपने किडनी कांड पर तो इतना बड़ा एक्शन लिया है, आखिर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल पर कब कार्रवाई की जाएगी और कब जो इसमें छात्र पढ़ते हैं उनकी शिक्षा है वो अच्छे से चलेगी, क्योंकि धड़ल्ले से तबेले में कॉलेज चल रहा है और इसके साथ ही जो बिल्डिंगें हैं उनमें किसी भी बिल्डिंग में कॉलेज चल रहा है, फर्जीवाड़े का बड़ा खेल चल रहा है। देखिए न्यूज 21 इस तरह की खबरों को हमेशा प्रमुखता देती है क्योंकि हमारा सीधा सा लक्ष्य है जनता तक सीधी बात को पहुंचाना। हम बताना चाहेंगे इस पूरे मामले में हमारे एडिटर इन चीफ ने पूरी जानकारी दी और एडिटर इन चीफ के जरिए हम पूरे मामले की जानकारी जो है अब तक जरूर उजागर करेंगे, अपडेट हम आपको जरूर देंगे जी। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज 21।